भाई कैसे हैं आप सब चलिए तो आज हम लोग वापस से आ चुके हैं भैया आज की नई क्लास में और आज जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा है पता है ना आपको वेब वेब ब्राउजर ब्राउजर एंड कुकीज तो ब्राउजर वाला जो हमारा पार्ट है वो पूरा हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं चलिए देखते हैं भैया कौन कौन आ चुका है ऑनलाइन अरे वाह क्या बात है मतलब मेरे आने से पहले ही बहुत सारे लोग यहाँ पे चैटिंग कर रहे हैं मतलब है ना इसको चैट बॉक्स बना दिया उन्होंने है ना चलिए तो भैया बहुत सारे लोग आ चुके हैं लाइव तो स्टार्ट करते हैं बच्चा सेशन को जल्दी से स्टार्ट करते हैं सेशन को और पढ़ते हैं पूरा कंप्लीट हमारा वेब ब्राउजर प्लग इंस एडस एंड क्या था कुकीज है ना चलिए तो स्टार्ट करें सो बिफोर स्टार्टिंग टूडेज क्लास हम अपना नाम बताते थे भैया थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो बनता है ना तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ आई एम आशीष क्वालानी आई हैव कम्प्लीटेड माई एम टेक एंड बीटेक इन कंप्यूटर साइंस

तो ये जो सारे के सारे वेब ब्राउजर्स है ये क्या करते हैं बेसिकली ये एक तरीके से हमारी मदद करते हैं हम यूज़र्स की मदद करते हैं कि हम किसी भी वेबसाइट को अगर देखना चाहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब पे उपस्थित किसी भी वेब पेज को देखना चाहते हैं तो हम उसका यूआरएल जाके जो यूआरएल होता है www.amazon.com इस टाइप से जो यूआरएल होता है वो हम लोग इस ब्राउज़र के एड्रेस बार में जाके डालते हैं और वहां पर एंटर प्रेस करते हैं तो ये ब्राउज़र एक रिक्वेस्ट सेंड करता है और हमारी वेबसाइट को लोड करके ले आता है

तो मेरा ब्राउजर क्या करेगा एक रिक्वेस्ट सेंड करेगा कहां पे जहां पे भी फ्लिपकार्ट का वेब सर्वर होगा तो फ्लिपकार्ट ने जहां पे भी अपना कोड छुपा के रखा होगा वेबसाइट का जो कोड है वो सेव कर रखा होगा उस वेब सर्वर पे ये रिक्वेस्ट जाएगी और वो वेब सर्वर क्या करेगा रिस्पॉन्स देगा है ना हमारी रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स देगा और रिस्पॉन्स में क्या देगा हमको फ्लिपकार्ट वेबसाइट का जो पेज है उसका कोड हमको सेंड कर देगा है ना तो यहां से फ्लिपकार्ट के होम पेज का कोड आ जाएगा राइट right. क्लियर बच्चा वो कोड हमारे ब्राउजर के पास आएगा ब्राउजर उसको रीड करेगा और हमारे सामने ब्राउजर पे, पे पेज ओपन हो जाएगा राइट right. चलिए तो इस तरीके से बच्चा ये पूरा काम होता है अब देखते हैं आगे वेब ब्राउजर होता क्या है वेब ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन है ना ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब वेन यूजर रिक्वेस्ट अ वेब पेज और वेबसाइट ऑन द वेब ब्राउजर रिटीव द नेसेसरी कंटेंट फॉर द वेब ब्राउजर तो जैसा आप यहां पर डायग्राम देख पा रहे हैं ये डायग्राम आप समझ पा रहे होंगे आई थिंक डायग्राम सबको विजेबल है तो यहां देखिए यहां एक यूजर बैठा हुआ है ये यूजर क्या कर रहा है एक रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है सर्वर पे है ना तो जैसे फ्लिपकार्ट डॉट कॉम खोलिए फ्लिपकार्ट का यू जो है अपने ब्राउजर पे डाला और यहां से रिक्वेस्ट सेंड करी सर्वर पे सर्वर क्या करेगा रिस्पॉन्स करेगा और यहां से फ्लिपकार्ट का जो कोड है वो सेंड कर देगा और फ्लिपकार्ट इस यूजर के ब्राउजर पे ओपन हो जाएगी ठीक है

इस वीडियो का लिंक जो है वो अपने सारे फ्रेंड्स के के साथ शेयर करके आ जाइए उनको बुला ले बोले भैया क्लास, हो क्लास न, स्टार्ट हो चुकी है भैया तो जी सो रहे तो छूट ना जाए।, जाए राइट वैसे भी भैया सैटरडे का दिन है सभी लोग लगभग फ्री बैठे होंगे बुलाया जाए एक बार फटाफट है ना जल्दी से बुलाया जाए सबको है ना चलिए तो सबको बुला लाते हैं बच्चा हम लोग राइट चलिए आ गए हैं बहुत सारे लोग भैया लाइव है ना चलिए तो अब स्टार्ट करें वापस से चलिए वापस स्टार्ट करते हैं बच्चा तो अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे जो हमारा अगला टॉपिक है वो बहुत इजी है बच्चा अगला टॉपिक बहुत ही इजी है अरे अभय जी आ चुके हैं अरे अरे भाई सॉरी सॉरी मैंने देखा नहीं ओके 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 है ना अभय जी भी आ चुके हैं ना चलिए तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चा अपना अगला टॉपिक जो कि प्लग इन एंड एडॉन तो प्लग और एडॉन्स क्या होते तो हैं प्लग इन्स और एडॉन्स बेसिकली कह सकते हैं कि हमारे वेब ब्राउजर के ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनको अगर हम लोग इंस्टॉल कर लें यानी वेब ब्राउजर में कुछ अलग से एक्स्ट्रा प्रोग्राम्स हैं जिनको अगर हम लोग इंस्टॉल कर लें है ना तो हमारे जो ब्राउजर के फीचर्स हैं वेब ब्राउजर के जो फीचर्स हैं वो बढ़ जाते हैं है ना ये एक मैंने जर्नल लैंग्वेज में आपको उसको समझाया अब टेक्निकल लैंग्वेज में इसकी डेफिनेशन समझो वेब ब्राउजर प्लग इंस आर प्रोग्राम इंटीग्रेटेड इन टू योर वेब ब्राउजर फॉर एक्सटेंडिंग इट्स एप्लीकेशन कैपेबिलिटीज एंड सम फीचर्स जो बात मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाई वही बात ये कह रहा है कि बेसिकली कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जिन प्रोग्राम्स को अगर आप अपने ब्राउजर में डाल दो है ना ब्राउजर में उनको इंस्टॉल कर दो तो ब्राउजर की जो कैपेबिलिटीज होती हैं उसकी जो फीचर्स होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं है ना तो देखो आगे क्या कह रहा है प्लग आर सॉफ्टवेयर कंपोनेट समाइम्स कॉल्ड दैट फीचर्स एन एग्जिस्टिंग कंप्यूटर प्रोग्राम मतलब ये बेसिकली कह सकते हैं कि प्लग इन्सॉन कुछ कुछ तो एक जैसे होते हैं बट इनके बीच में डिफरेंस भी होता है वो बताऊंगा क्या डिफरेंस होता है plugins क्या होते हैं क्या होते हैं दोनों के दोनों देखो काम तो एक ही करते हैं कि वेब ब्राउजर या किसी भी प्रोग्राम के फीचर्स को बढ़ाने का काम करते हैं यानी प्लगइन्स और एडोन्स को अगर मैं आपको जनरल भाषा में समझाऊं तो जैसे मैंने कोई सॉफ्टवेयर मुझे कुछ और ना तो जो सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ फीचर्स एड करने के लिए कुछ एडोन्स वगैरह के हम लोग को प्रोग्राम देती है छोटे छोटे अगर आप वो इंस्टॉल कर दोगे इसमें तो इस सॉफ्टवेयर की फीचर्स क्या हो जाएंगे इंक्रीज हो जाएंगे तरीके से कहो कि इस सॉफ्टवेयर कुछ ऐसे फीचर्स है ना जो कि प्रोग्राम डाउनलोड करने पे ही आएंगे है ना राइट तो कुछ ऐसे फीचर्स भी है जो छुपे हुए हैं आप उनको डाउनलोड करो तो वो फीचर्स भी आपके प्रोग्राम में आपके सॉफ्टवेयर में इन्वॉल्व हो जाएंगे राइट क्लियर तो कह सकते हैं ना कि ऑन हम लोग कहते हैं ना कि भाई जब हम लोग कोई चीज खरीदते हैं कि भैया इसके साथ ये ऑन आपको फ्री दे रहा हूं है ना ये आपको कॉम्बो में फ्री दे रहा हूं राइट तो सिमिलर वे में यहाँ पे कि आप सॉफ्टवेयर चलाते हो तो सॉफ्टवेयर में अगर आपको कोई और एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी चाहिए तो वो आप लग से या एडॉन से डाउनलोड कर सकते हो राइट

ओपन करके बैठे हो है ना तो अपने ने क्या करा गूगल क्रोम पे कुछ एडॉन्स आते हैं मैं आपको भी दिखाऊंगा चला के कि गूगल क्रोम पे जब आप स्टोर में जाते हैं साइड में तो स्टोर में वहां पे वेब स्टोर के अंदर आपको कुछ एडॉन्स और प्लगिन मिलेंगे तो जब आप वहां वाँप स्टोर में जाते हैं जैसे आपको मान लो कि एक प्लगिन मिलता है आपको वहां पर एडोप का एडोप रीडर का तो आपने क्या करा उस एडोपिन एडोप रीडर वाले प्लग को इंस्टॉल कर लिया अपने ब्राउजर में यानी गूगल क्रोम के वेब स्टोर के अंदर आप जाते हैं

इन प्रोग्राम्स को अगर आप इंस्टॉल करते हैं तो आपके ब्राउजर के फीचर्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं आप अपने ब्राउजर में देख सकते सकते हैं हैं वीडियो प्लेयर चला सकते हैं, राइट इस टाइप के कुछ फीचर्स हैं जो कि होते चले जाते हैं राइट चलिए अब दोनों में डिफरेंस समझाता हूं आपको बच्चे बोल रहे थे कि प्लग इन्स और डिफरेंस क्या होता है ये समझ में नहीं आता राइट तो देखो भैया दोनों में डिफरेंस आप समझते हैं बहुत देर हो गई कि सर प्लग इन्स एडोन्स प्लग आप बताए जा रहे हो तो दोनों में डिफरेंस भी होता है नहीं होता दोनों एक जैसा काम करते हैं दोनों के दोनों प्रोग्राम्स हैं दोनों के दोनों इंस्टॉल होने पर ब्राउजर की फंक्शनलिटीज को इंक्रीज कर देते हैं तो दोनों में डिफरेंस है क्या क्या सुनिए अच्छे से इन द द इज टर्म दैट इज यूज रेफरिंग टू द थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर इस लाइन को हाईलाइट कर लो बॉस प्लग जो होते हैं ना ये किसके लिए होते हैं थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यानी जैसे मान लो इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं आपने गूगल क्रोम नाम का ब्राउजर यूज कर रहे हैं आप है ना गूगल क्रोम नाम का ब्राउजर

अगर ब्राउजर के जो प्लग है, है ना ब्राउज़र के जो है, वो अगर वो खुद कंपनी बना रही है तो वो तो कहलाता है कि है, बट अगर थर्ड पार्टी भैया तो मतलब कुछ नहीं है यहां अंदर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड करते हैं इंस्टॉल करते हैं अब जो ये एडिशनल प्रोग्राम्स आप इंस्टॉल कर रहे हैं एडोप पीडीएफ या फिर आप फ्लैश प्लेयर वगैरह इंस्टॉल कर रहे हैं तो ये जो एडिशनल प्रोग्राम है ये अगर आपको सॉफ्टवेयर की कंपनी ही प्रोवाइड करा रही है जैसे आपने गूगल क्रोम खोल रखा है तो गूगल के द्वारा ही ये सॉफ्टवेयर्स बनाए जा रहे हैं तो उसको तो हम लोग बोलेंगे एड ऑन क्या बोलेंगे उसको ऑन बोलेंगे अगर गूगल ही इनको बना रहा है तो उसको क्या बोलेंगे एड ऑन जबकि अगर कोई थर्ड पार्टी बना रही है ना गूगल खुद नहीं बना रहा वो कह रहा है कि मेरा तो ब्राउजर है आपको अगर इसमें कुछ एडिशनल फंक्शन लाने हैं तो आप थर्ड पार्टी के यानी किसी और कंपनी के सॉफ्टवेयर को इसमें इंस्टॉल करो किसी और कंपनी के प्रोग्राम्स को इंस्टॉल करो तो अगर कोई थर्ड पार्टी यानी दूसरी पार्टी के आप दूसरी कंपनी के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं प्लग तो प्लग होते हैं किसी थर्ड पार्टी के सॉफ्टवेयर मैं लिख देता हूं यहां पर थर्ड पार्टी के सॉफ्टवेयर है ना और सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम्स है ना और जो हमारे

फायरफॉक्स कंपनी नहीं बनाया तो उसको तो हम लोग बोलेंगे ऑन है ना बट आपने कोई ऐसा प्रोग्राम इंस्टॉल किया जिसको फायरफॉक्स ने नहीं बनाया है ना जिसको किसी और कंपनी ने बनाया जैसे कि एडोप रीडर अब एडोप रीडर किसने बनाया कंपनी ने है ना तो आपने अपने ब्राउजर के अंदर कोई ऐसा थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे प्लग इन बोलेंगे जबकि ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हो जो कि उस ब्राउजर की कंपनी ने बनाया तो उसको क्या बोलेंगे ऑन राइट क्लियर बच्चा समझ में आ गया तो दोनों में डिफरेंस यही होता है कि अगर जो ब्राउजर की कंपनी है वही कोई एडिशनल फीचर प्रोग्राम बना रही है पूरा का पूरा डिफरेंस एक लाइन में अगर मैं बोलूं तो ये डिफरेंस है ठीक है तो प्लग इन इज द टर्म दैट इज यूज्ड व्हेन रेफरिंग टू थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर दैट इज मीन टू बी इंटरेक्ट विद सर्टेन प्रोग्राम

चल जाते हैं और सारे ब्राउजर के साथ कंपेटेबल होते हैं राइट right? क्लियर तो दोनों में में डिफरेंस समझ में आ गया बच्चा तो भैया गूगल क्रोम अगर कोई सॉफ्टवेयर बना रही है खुद से तो वो सिर्फ अपने अपने गूगल क्रोम के लिए बनाएगी तो वो कह लाएगा हमारा एडोन जबकि एडोप फ्लैश प्लेयर बन रहा है हमारा या कोई और वीडियो प्लेयर बन रहा है तो वो कोई थर्ड पार्टी बना रही तो वो क्या सोचेगी कि मेरा जो ये फ्लैश प्लेयर है ये सारे के सारे ब्राउजर में चलना चाहिए तो उस टाइप के ब्राउजर उस टाइप के प्रोग्राम को हम लोग क्या बोलते हैं प्लगइन बोलते हैं राइट क्लियर चलिए बढ़ते हैं आगे लास्ट आता है बच्चा हमारा टॉपिक कुकीज तो पहले तो यहां तक बताओ यहां पे किसी को प्रॉब्लम है क्या यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या नहीं है नहीं प्रॉब्लम सही है बच्चा अब आ रहा है वीडियो इशू तो नहीं है अब राइट ओके 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 अब सही है चलिए तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है बच्चा एडॉन और प्लगइन्स आपको समझ में आ गया होंगे कि मैं वापस से एक बार रिवाइज करा देता हूं तो फटाफट से आपको एडॉन्स क्या होते हैं प्लगइन्स क्या होते हैं तो एडॉन्स और प्लगइन्स में डिफरेंस क्या होता है एडॉन जो होता है ठीक है और प्लगइन क्या होता है दोनों में डिफरेंस बता देते हैं आपको तो देखो प्लग इन जो होते हैं बेसिकली कौन बनाती है थर्ड पार्टी कंपनी इट इज क्रिएटेड बाय थर्ड पार्टी है ना कंपनी ठीक है जबकि एडॉन्स कौन बनाता है जो उस कंपनी का मालिक होगा मतलब जो उस ब्राउजर का ओनर होगा जैसे अगर आप फायरफॉक्स यूज कर रहे हैं तो फायरफॉक्स ही इन एडॉन्स को बनाएगा ठीक है और जो एडॉन्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर कंपनी के ब्राउजर में ही चलेंगे यानी जो मोजिला फायरफॉक्स ने एडॉन्स बनाए हैं वो सिर्फ मौज़ला फायरफॉक्स में चलेंगे गूगल क्रोम में काम नहीं करेंगे है ना तो कह सकते हैं कि एडऑनज होते, होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं स्पेसिफिक होते हैं ब्राउजर्स के लिए है ना स्पेसिफिक ब्राउजर के लिए बनाए जाते हैं जबकि प्लगइन्स होते हैं वो किसी भी ब्राउजर पे काम कर जाते हैं राइट क्लियर क्लियर बच्चा समझ में आ गया आपको चलिए अब आते हैं बच्चा आज के लास्ट टॉपिक पे जो कि है कुकीज है ना तो इसको तो मैं मतलब क्या ही एक्सप्लेन करूं आप लोग मुझसे बेहतर इसको जानते हैं है ना कुकीज़ क्या होती हैं ये खाने वाली कूकीज़ की बात नहीं हो रही बच्चा ना मतलब लोगों के मुंह में पानी आ रहा है यहाँ पे कि सर क्या आप सुबह सुबह मतलब भूख जगा रहे हो हमारी कुकीज वगैरह की है ना तो ये कुकीज़ बच्चा वो खाने वाली कुकीज नहीं है यहाँ पे कुछ अलग ही टाइप की बात हो रही है कुकीज़ क्या होती है बेसिकली यहाँ पे कुकीज़ आर द स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन वेबसाइट्स स्टोर ऑन योर कंप्यूटर कुकीज ओनली कंटेन बिट्स ऑफ टेक्स्ट नॉट एनीथिंग एल्स है ना बच्चा बेसिकली कह सकते हैं कि एक वेबसाइट जो होती है कई बार आपने देखा होगा को कोई वेबसाइट अपन ओपन करते हैं ना तो एक पॉपअप मैसेज आता है साइड में कि डू यू वॉन्ट टू एड दिस कुकीज इन टू याउजर है ना तो ये वेबसाइट जो है ये आपको कुछ कुकीज का प्रोग्राम सेंड करना चाह रही है क्या आप उसको अपने ब्राउजर में इंस्टॉल करना चाहते हैं तो होता क्या बच्चा कुकीज क्या होता है बेसिकली कुकीज क्या होती है जैसे आपने मान लीजिए कि कोई वेबसाइट खोली जैसे डब्ल्यू डब्लू डब्ल्यू डॉट फ्लिपकार्ट डॉट कॉम है ना आपने ये वेबसाइट खोली वेबसाइट खोल दी आपके सामने इसका होम होमपेज खोला पेज पे आपसे पूछा गया कि आप लॉग इन करो आपने अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाला ठीक है आपने अपना यूजर नेम और पासवर्ड यहां पर एंटर किया तो मैं लिख देता हूं यहां पर यूजर नेम डाला और पासवर्ड डाला राइट right, ये दो चीज आपने डाली ठीक है अब जैसे आपने लॉग इन पे बटन पे प्रेस किया है ना एक आपके सामने मैसेज पॉपअप हो जाता है कि आप क्या इस वेबसाइट द्वारा जो कुकीज भेजी जा रही है उसको डाउनलोड करना चाहते हैं आपने बोल दिया यस है ना यस करते ही क्या करेगा फ्लिपकार्ट आपके ब्राउजर में आपके ब्राउजर में एक कोड एक छोटी सी टेक्स्ट फाइल जो होगी उस टेक्स्ट फाइल को इंस्टॉल कर देगा है ना आपके ब्राउजर में इस टेक्स फाइल को इंस्टॉल कर देगा इस टेक्स्ट फाइल को ही हम लोग बोलते हैं बच्चा कुकीज ये टेक्स्ट फाइल क्या है बेसिकली ये टेक्स्ट फाइल क्या है जैसे आपने अभी अभी लॉग किया ना अभी अभी आपने इस फ्लिपकार्ट डॉट कॉम पर लॉग इन किया तो यह टेक्सटफाइल जो हमारी कुकीज़ है हाँ ना यह टेक्स फाइल ही होती है बेसिकली कुकीज क्या होती है टेक्स्ट फाइल होती है तो ये जो कुकीज़ है ये आपके ब्राउजर में इंस्टॉल हो रही है नहीं टेक्स्ट फाइल इंस्टॉल हो रही है आपके ब्राउजर में ये क्या करेगी आपकी लॉग डिटेल्स को आपके ब्राउजर में सेव कर देगी मतलब अगली बार जब भी आप फ्लिपकार्ट खोलोगे तो आपको वापस से लॉग इन करने की जरूरत नहीं है जो लॉग इन डिटेल्स है वो क्या करा इसने पहले से ही आपके ब्राउजर में सेव कर दिया तो एक तरीके से कह सकते हैं कि जो कुकीज है वो हमारी बेसिकली ब्राउजिंग की जो आ, फीचर्स है ब्राउजिंग की जो हमारी कह सकते हैं हिस्ट्री है उसको सेव करने का काम करती है राइट कि जैसे मैंने कोई अभी अभी वेबसाइट खोली और उस वेबसाइट में मुझसे लॉग इन पासवर्ड वगैरह सब कुछ मांगा गया तो मैंने वो डाउनलोड किया इंस्टॉल कर दिया ना

जो कि आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री आपके ब्राउजिंग के लॉग वगैरह को रिविजिट कर तो करें तो आपको वेबसाइट दैट इज स्टोर्ड विद इन द ब्राउजर मतलब ये जो कुकीज होती है बनाता कौन है? ये वेबसाइट बनाती है जो वेबसाइट ओपन कर रहे हैं ना वो वेबसाइट आपके ब्राउजर में डाउनलोड करवाती है आना? इसको ब्राउजर नहीं बनाता ये तो वेबसाइट बनाती है कि आप मेरे वेबसाइट पे जब लॉगिन करोगे तो मेरे यहाँ से कुकीज प्रोग्राम का प्रोग्राम डाउनलोड हो जाएगा एक टेक्स्ट फाइल डाउनलोड हो जाएगी जो टेक्स्ट फाइल क्या करेगी आपके ब्राउजर में आपके लॉगिन इन को सेव करा देंगी ताकि अगली बार जब आप लोग मेरी वेबसाइट ओपन करें तो आपको वापस से वो मेहनत ना करनी पड़े यूजर नेम पासवर्ड वगैरह डालने की आप डायरेक्ट लॉग करो आपके ब्राउजर में मेरे लॉग इन सेव है राइट तो अ कुकी इज अ पीस ऑफ डेटा फ्रॉम अ वेबसाइट दैट इज स्टोर्ड विद इन अ वेब ब्राउजर दैट द वेबसाइट कैन रिटीव एट अ लेटर टाइम

फ्लिपकार्ट पे आपने जाके आज के दिन जैसे आदित्य जी हैं आदित्य जी ने फ्लिपकार्ट ओपन करी और फ्लिपकार्ट पे जाके आज इन्होंने कुछ शूज देखे है ना शूज देखने चालू करे शूज का जो कलेक्शन है वो देखना चालू किया है ना तो फ्लिपकार्ट डॉट कॉम क्या करेगा एक एक चीज को एनालिसिस करता है वो देखता है कि कौन सा यूजर क्या देख रहा है तो उसने देखा कि यार ये लड़का जो है ये शूज के अंदर इंटरेस्टेड है तो वो क्या करेगा कि जब यूजर को देखता है कि भैया ऑब्जर्व करता है कि ये शूज की तरफ ज्यादा भाग रहा है शूज को ज्यादा एक्सरसाइज कर रहा है की को देख रहा है, उसके रिलेटेड कंटेंट को ज्यादा तो जो ब्राउजर है उसमें एक टेक्साइल डाउनलोड करा देगा इस को ही हम लोग बोलते हैं कुकीस है ना ये यहाँ पे कुकीज डाउनलोड करा देगा आपके ब्राउजर में है ना ताकि जब भी आप लोग है ना जब भी आप लोग नेक्स्ट टाइम अपने ब्राउजर पे फ्लिपकार्ट डॉट कॉम खोलोगे यानी आदित्य जब भी नेक्स्ट टाइम वापस अपने ब्राउजर पे फ्लिपकार्ट डॉट कॉम खोलेगा तो उसको ज्यादातर जो एडवर्टाइजमेंट दिखेंगे ना वो किसके दिखेंगे शूज के दिखेंगे ये काम कैसे हुआ क्योंकि फ्लिपकार्ट ने जब इन्होंने पहली बार वो शूज वगैरह देखना चालू किया था तो फ्लिपकार्ट ने इनकी चीज को ऑब्जर्व करा और इनके इस ब्राउजर के अंदर एक कुकीज नाम का प्रोग्राम डाउनलोड करा दी टेक्स्ट फाइल डाउनलोड करा दी वो टेक्स्ट फाइल क्या कर रही है है ना वो टेक्स्ट फाइल क्या कर रही है बेसिकली कि जो हमारे आदित्य साहब हैं उसके इंटरेस्ट के टॉपिक्स को डाउनलोड करके बैठ गई है है ना कि जैसे अगली बार ये इस ब्राउजर के अंदर जाके आदित्य फ्लिपकार्ट खोलेगा तो वो टेक्स फाइल वहां से एक्टिवेट हो जाएगी है ना क्योंकि वो कुकीज है वो उसके ब्राउजर में डाउनलोड हो चुकी है वो टेक्स फाइल एक्टिवेट हो जाएगी और वो क्या करेगी इसको ज्यादातर फ्लिपकार्ट जो है शूज वाले एडवर्टाइजमेंट ज्यादा दिखाएगी राइट right? तो हेलो शिखा जी क्या हाल है बच्चा तो बेसिकली ये ऐसे काम करता है बच्चा है ना तो जो कुकीज है वो क्या करती है बेसिकली कि हम लोगों ने जो भी पास्ट में एक्सेस किया होता है उस वेबसाइट में वेबसाइट क्या करती है उन चीजों की एक टेक्स्ट फाइल बनाती है और हमारे ब्राउजर में इंस्टॉल कर देती है ताकि अगली बार जब मैं उस वेबसाइट को ओपन करूं तो मुझे पुरानी हिस्ट्री से रिलेटेड डेटा ही दिखना चालू हो जाए और मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा सा बढ़ जाए राइट तो देखो यहां पर यह लिखा हुआ है कुकीज ऑल्सो स्टोर इंफॉर्मेशन सच एज शॉपिंग कार्ट कंटेंट रजिस्ट्रेशन एंड लॉग इन एंड यूजर प्रीफरेंस कि यूजर क्या देखना पसंद करता है है ना तो जैसे अगली बार आप फ्लिपकार्ट को लॉग इन करोगे फ्लिपकार्ट को देखोगे तो जैसे मैंने आज फ्लिपकार्ट ओपन करी मैंने लॉग इन क्रडेंशियल वगैरह डाले और मैंने शूज देखना चालू किया अब दो दिन बाद जब मैं वापस अपने ब्राउजर पर फ्लिपकार्ट डालूंगा ना तो मुझे वापस लॉग इन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्यों क्योंकि फ्लिपकार्ट ने मेरे कंप्यूटर के अंदर एक टेक्स्ट फाइल डाउनलोड करा दी है ना जिसको हम लोग बोलते हैं कुकीज जब मैंने पहली बार फ्लिपकार्ट देखी थी तो फ्लिपकार्ट देखते वक्त उसने बोला था कि एक कुकीज नाम का प्रोग्राम है जो कि मैं आपके ब्राउजर में इंस्टॉल करना चाहता हूं डू यू टू इंस्टॉल मैंने बोला यस है ना पे क्लिक करते ही फ्लिपकार्ट ने क्या करा कि मेरे कंप्यूटर के अंदर मेरे ब्राउजर के अंदर एक टेक्स्ट फाइल डाउनलोड करा दी ये टेक्स्ट फाइल क्या कर रही है मेरी सेव कर रही है है ना और साथ के साथ मेरी प्रिफरेंसिस की मैं क्या देखना ज्यादा पसंद करता हूं उसको सेव करके बैठी है अब अगली बार जब मैं इस ब्राउजर पे दो चार दिन बाद वापस फ्लिपकार्ट खोलूंगा तो क्या होगा कि ये जो टेक्स्ट फाइल है ये जो कुकी है ये एक्टिवेट हो जाएगी और मुझे वही कंटेंट दिखाएगी जो मैं पिछली बार देख रहा था राइट right? राइट right बच्चा तो ये आपके साथ होता है, आपने देखा होगा कभी भी आप कोई वेबसाइट पर अगर आप बहुत ज्यादा स्वीट्स की चीजें देखते हो तो मतलब मिठाई विठाई की चीजें देखते हो तो अगली बार जब आप उस वेबसाइट को खोलते हो तो आपके पास मिठाइयों के ऐड आते हैं है ना आप दो चार दिन तक यूट्यूब पे एक काम करो दो चार दिन तक यूट्यूब पे एनिमल से रिलेटेड वीडियो देखो आप उसके बाद देखोगे सात आठ दिन बाद जब आप वापस यूट्यूब खोलते हो तो आपको एनिमल से रिलेटेड वीडियो ही सबसे ऊपर ऊपर आते हैं है ना ये कैसे होता है ये कुकीज के द्वारा होता है जो वो कंपनी है जैसे यूट्यूब है तो यूट्यूब क्या करती है कि आपके कंप्यूटर के अंदर आपके मोबाइल के अंदर कुछ कुकीज डाउनलोड करा देती है है ना कि जब भी आप नेक्स्ट टाइम जब भी आप नेक्स्ट टाइम लॉग करते हो तो आपकी पुरानी हिस्ट्री देखता है वो कि इसकी पुरानी हिस्ट्री क्या है इसने क्या ज्यादा देखना कोशिश करी है क्या ज्यादा इंटरेस्टेड टॉपिक्स है ना तो वो देखता है कि यार इसके इंटरेस्टेड टॉपिक्स है एनिमल से रिलेटेड वीडियो तो वो क्या करता है उस टेक्स्ट फाइल के अंदर उस कुकीज के अंदर ये स्टोर करा देता है इन्फॉर्मेशन की इस यूजर को एनिमल से रिलेटेड पसंद है तो जब भी आप अगली बार यूट्यूब खोलते हो तो कुकीज एक्टिवेट होती है और वो आपको वही कंटेंट सर्च करके लाके दिखाती है जो कि एनिमल से रिलेटेड होते हैं राइट right? तो कुकीज का एक बहुत बड़ा यूज एडवर्टाइजमेंट कंपनीज भी करती हैं कि एडवर्टाइजमेंट कंपनीज क्या करती हैं किसी यूजर को ऑब्जर्व करती हैं कि क्या देखना पसंद कर रहा है अगर आप शूज में ज्यादा इंटरेस्टेड हो कॉस्मेटिक आइटम्स में ज्यादा इंटरेस्टेड हो तो अगली बार वो आपको कॉस्मेटिक आइटम से रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट ज्यादा दिखाई राइट क्लियर चलिए तो दिस इज डन सो वॉट दिस इज डन इंफॉर्मेशन दैट वॉज प्रोवाइडेड इन प्रीवियस सेशन और एनी सेट कैन बी रिट्रीव कि अगर आपने कोई लॉग इन वगैरह पहले कर रखा है तो लॉग इन डिटेल भी आपकी सेव हो जाती है ब्राउजर में अगली बार जब आप उस वेबसाइट को ओपन करते हो तो आपको अगेन लॉग इन करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि आपके लॉग इन कॉडेंशियल आपके ब्राउजर में एक कुकीज के अंदर सेव है कुकीज कुकी टेक्सफाइल के अंदर सेव है राइट एडवर्टाइजर कुकी टू ट्रैक यूजर्स एक्टिविटी अक्रॉस साइट सो देट के एड्स है वो आपके इस कुकीज के द्वारा आपके इन बिहेवियर्स को ऑब्जर्व करती है और अगली बार आपको उसी से रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट दिखाती है जिसमें आपका इंटरेस्ट ज्यादा है राइट right? तो आदि तक तो पूछ रहा है कि सर सो फोन में फॉर्मवेयर क्या होता है फॉर्म वेयर बच्चा बताएंगे हम लोग एक क्लास रखेंगे इस पर फ्रीवेयर फॉर्म वेयर पे उसको बताएंगे आपको है ना ठीक है फॉर्म वेयर क्या होता है बेसिकली और फ्री वेयर क्या होता है ये पूरी वैसे मैं क्लास ले चुका हूँ वीडियो देखा हो तो फिर मैं आप लोग के लिए एक एक वापस वीडियो बनाऊंगा इस पे और आप लोग को दिखाऊंगा राइट तो बेसिकली कह सकते हैं कुकीज ऐसा एक एक प्रोग्राम है कुकीज हमारा एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके अंदर एक ऐसी टेक्स्ट फाइल है प्रोग्राम भी नहीं कहूंगा मैं इसको एक टेक्स्ट फाइल कहूंगा है ना कुकीज एक ऐसी टेक्स्ट फाइल है जो कि आपके पुराने बिहेवियर को देखते हुए आपके पुराने लॉग इन पोटेंशियल को सेव करते हुए एक फाइल आपके ब्राउजर में डाउनलोड हो जाती है और अगली बार जब आप वो वेबसाइट देखते हैं तो आपको वो लॉग इन डालने की जरूरत नहीं पड़ती वापस जैसे आज आदित्य ने एमेजॉन डॉट कॉम ओपन किया और एमेजॉन डॉट कॉम पर जाकर अपने लॉग इन आईडी पासवर्ड वगैरह डाले वहां पर लिखा हुआ है कि डू यू वॉन्ट टू सेव दिस इन द कुकीज तो इसने क्लिक कर दिया सेव सेव करते ही एमेजॉन ने क्या करा इसके ब्राउजर के अंदर एक टेक्स्ट फाइल डाउनलोड कर दी उस टेक्स्ट फाइल में क्या करा जो आदित्य के लॉग इन क्रेडेंशियल थे लॉग इन यूजर डिटेल्स थी वो उसने सेव करा दी इसके ब्राउजर में अब दो दिन बाद जब आदित्य वापस इस को ओपन करेगा तो उसको पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो लॉग इन कुकीज एक्टिवेट होगी वो ऑटोमेटिकली तो हो एमेजॉन को इसकी लॉग इन क्रेडेंशियल सेंड करेगी और साथ के साथ उस कुकीज ने कुछ और भी चीजें स्टोर कर रखी होती है फाइल में कुछ और भी चीजें स्टोर कर रखी होती है कि ये यूजर किस टाइप के प्रोडक्ट्स खरीदना पसंद करता है इसका इंटरेस्ट किस टाइप के प्रोडक्ट्स में आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री को भी वो वहां पे सेव कर देता है ताकि अगली बार जब आप उस वेबसाइट को खोलते हो तो वो वेबसाइट कंपनी हो। तो होती है बच्चा हेलो मिथिलेश क्या हाल है बच्चा क्या हाल है मिथिलेश जी कैसे हैं आप राइट तो कुकीज समझ में आ गया बच्चा सबको कुकीज एक छोटा सा प्रोग्राम होता है ना इस प्रोग्राम को टेक्स्ट फाइल को हम लोग कहते हैं कुकीज है ना फाइल होती है right? जो आपके browsing history आपके login credentials और आपके और को सेव करके रखती है ना कि किस प्रोडक्ट्स में आपके इंटरेस्ट है इंटरेस्ट टॉपिक्स है ना आप लोगों ने अगर कोई सेटिंग सेट set कर रखी है उस वेबसाइट में कि मुझे ये ये कंटेंट चाहिए तो वो सेटिंग्स आपके प्रिफरेंस सेटिंग प्रीफ्रेंसेस है ना ये सब चीजें वो सेव करके रखता है राइट चलिए तो स्वर्णिमा जायसवाल हेलो बच्चा क्या हाल है आपके क्या हाल है बच्चा चलिए तो एक बार फटाक से रिवीजन करते हैं फटाफट क्लास का सबसे पहले आज हम लोगों स्टार्ट किया था वेब ब्राउजर से वेब ब्राउजर क्या होता है एक स्पेशल टाइप का प्रोग्राम होता है एक सॉफ्टवेयर होता है जिस सॉफ्टवेयर की मदद से आप लोग वर्ल्ड वाइड वेब पे उपस्थित किसी भी वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं यानी जो ब्राउजर होता है इस ब्राउजर पे हम लोग कोई भी यूआरएल डालते हैं वेबसाइट का ये ब्राउजर रिक्वेस्ट सेंड करता है उस वेब सर्वर पे जहां पे वेबसाइट पड़ी हुई है और सर्वर से वेबसाइट लोड होके हमारे ब्राउजर पे ओपन हो जाती है राइट राइटीमा जी कह रही है सब बढ़िया है एकदम फर्स्ट क्लास रूम है ना चलिए वसीम खान क्या हाल है बच्चा क्या हाल है आपके सब बढ़िया चंगा खैर है ना चलिए इसके बाद आते हैं बच्चा प्लगइन्स एंड एड्स

तो एडोप रीडर अगर आपके ब्राउजर में इंस्टॉल हो गया आपके गूगल क्रोम में इंस्टॉल हो गया तो अब आप क्या कर सकते हो अपने इस ब्राउजर में गूगल क्रोम के अंदर आप कोई भी पीडीएफ ओपन कर सकते हो ऐसे अगर आपने फ्लैश प्लेयर इंस्टॉल कर दिया तो फ्लैश प्लेयर की मदद से क्या होता है आप अपने ब्राउजर में कोई भी वीडियो प्ले कर सकते हैं कोई भी मीडिया फाइल प्ले कर सकते हैं और वीडियो देख सकते हैं तो ये कह सकते हैं कि जो एडिशनल प्रोग्राम्स होते हैं है ना उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं प्लगइन्स और एडॉन्स है ना प्लगइन और एडोन क्या होते हैं

कि अगर वो कंपनी खुद जो ब्राउजर ब्राउजरी कंपनी है आप जैसे ओपेरा मिनी यूज कर रहे हैं तो अगर ओपेरा मिनी खुद इस ब्राउजर को बना रही है इस एडिशनल प्रोग्राम को बना रही है सॉरी ओपेरा मिनी जो ब्राउजिंग कंपनी है जो ब्राउजर ही कंपनी है वो खुद इस एडिशनल प्रोग्राम को बना रही है तो उसको बोलेंगे हम लोग ऑन और ये जो एडॉन होते हैं ये पर्टिकुलरली उसी ब्राउजर पर काम करेंगे जैसे ओपेरा मिनी ने अगर कोई ऑन प्रोग्राम बनाया कोई एडिशनल फीचर प्रोग्राम बनाया तो सिर्फ और सिर्फ ओपेरा मिनी ब्राउजर पर ही काम करेगा और ब्राउजर्स पे काम नहीं करेगा राइट ये तो कहलाते हैं एडोन और जो प्लग होते हैं वो क्या होते हैं प्लग बच्चा थर्ड पार्टी कंपनी द्वारा बनाए जाते हैं यानी यानी थर्ड पार्टी कि वो कंपनी खुद नहीं बनाएगी ये दूसरी कंपनी के द्वारा बनाए जाते हैं जैसे कि मैंने भी अभी आपको बताया कि एडोब रीडर एडोब रीडर को बनाने वाली कंपनी का नाम क्या है एडोब कंपनी तो एडोब कंपनी ने बनाया एडोब एडोब रीडर रीडर तो ने जो ये प्रोग्राम बनाया है इसको हम लोग बोलेंगे प्लगिन है ना इस प्लगइन को आप किसी भी ब्राउजर में इंस्टॉल कर सकते हैं आप गूगल क्रोम में इंस्टॉल कर सकते हैं मोजिला फायरफॉक्स में इंस्टॉल कर सकते हैं सफारी में इंस्टॉल कर सकते हैं किसी भी ब्राउजर में इंस्टॉल कर सकते हैं यानी ऐसा प्रोग्राम जो ब्राउजर कंपनी खुद नहीं बना रही जो कोई और थर्ड पार्टी कंपनी बना रही है और अगर आप उसको इंस्टॉल कर लेते हैं अपने ब्राउजर में तो आपके फीचर्स बढ़ जाते हैं ब्राउजर के तो उसको हम लोग बोलते हैं प्लग और अगर ब्राउजर कंपनी खुद वो प्रोग्राम बना रही है उसको बोलते हैं एडॉन है ना प्लगइन्स को आप किसी भी ब्राउजर में चला सकते हैं जबकि एडॉन जो होते हैं वो पर्टिकुलर ब्राउजर स्पेसिफिक होते हैं वो उसी ब्राउजर में चलेंगे जिस ब्राउजर ने उसको बनाया क्लियर ओके 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 सर मेरे फोन में मेरा इतना डेटा ही नहीं है पर स्टोरेज नाइनटी परसेंट है इसलिए ओके 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 रिपीट 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 करूं वापस से ओके okay, देखिए वापस रिपीट करता हूं बच्चा देखिए दो चीजें होती है बच्चा प्लग और एड ऑन प्लग पहले प्लग समझ लो प्लग और एड ऑन है ना दो चीजें हैं देखिए

मोजिला फायरफॉक्स चला रहे हैं अपन यहां पे है ना और इस ब्राउजर के अंदर अपन ने क्या करा कि कोई एक नया फीचर ऑन करा फीचर कहां से डाउनलोड किया है ना इसके वेब स्टोर में जाके मोजिला जो है वो बनाया किसने है वो बनाया है मोजिला फायरफॉक्स कंपनी ने फायरफॉक्स कंपनी नहीं बनाया है ना यानी जो ब्राउजर कंपनी है उसने खुद ने बनाया वो प्रोग्राम और स्पेसिफिकली इसी ब्राउजर के लिए बनाया वो जो एडोन है वो अलर ब्राउजर में काम नहीं करेगा ओपेरा मी में, में गूगल क्रोम में काम नहीं करेगा तो ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो उस कंपनी ने खुद बनाया है और अपने ब्राउजर के लिए ही बनाया है तो उसको तो हम लोग बोलेंगे एडॉन और ऐसे प्रोग्राम्स जो कोई ब्राउजर कंपनी खुद नहीं बना रही जैसे एडोब रीडर एडोब रीडर को अगर आप अपने ब्राउजर के इंस्टॉल कर दें है ना डोप रीडर को अगर आप अपने ब्राउजर में इंस्टॉल कर दे तो इसको बनाने वाली कंपनी का नाम क्या है एडोप है ना ये आपने अपने ब्राउजर में इंस्टॉल इंस्टॉल करा इंस्टौल करने से फायदा यह हुआ कि अब आप अपने ब्राउजर के अंदर पीडीएफ को भी ओपन करके रीड कर सकते हैं क्योंकि एडोप रीडर जो होता है वो पीडीएफ देखने के काम आता है ऐसे ही आपने एडोप का फ्लैश प्लेयर इंस्टॉल कर लिया ये फ्लैश प्लेयर क्या करता है बच्चा कि आपके ब्राउजर के अंदर आप कोई भी वीडियो वगैरह प्ले कर सकते हैं मीडिया फाइल प्ले कर सकते हैं तो आपने इस तरीके के प्रोग्राम इंस्टॉल करें अपने ब्राउजर में जो कि

एडोन्स होते हैं एडॉन्स कौन बनाता है वो कंपनी का मालिक खुद यानी वो ब्राउजर कंपनी खुद बनाती है राइट ब्राउजर कंपनी जो है वो खुद बनाती है और ये जो ब्राउजर कंपनी खुद बना रही है एडोन्स ये सिर्फ और सिर्फ इसी के ब्राउजर पे काम करेंगे यानी अगर मोजिला फायरफॉक्स ने कोई एडॉन बनाया तो वो सिर्फ और सिर्फ मोजिला फायरफॉक्स पे काम करेगा गूगल क्रोम पे काम नहीं करेगा जबकि जो प्लग होते हैं वो कॉमन होते हैं वो किसी भी ब्राउजर पर आप इंस्टॉल कर सकते हैं यानी एडोब रीडर आप मोजिला फायरफॉक्स पर भी डाल लो गूगल क्रोम में भी डाल लो सफारी पर भी डाल लो सब पे चलेगा राइट right. राइट right, बच्चा क्लियर तो बेसिकली प्लग और एडॉन्स में यही डिफरेंस है दोनों सेम समझे जाते हैं लोग ये कहते हैं कि दोनों सेम है सेम नहीं है प्लगिन थर्ड पार्टी कंपनी सॉफ्टवेयर है और एडोन वो ब्राउजर कंपनी खुद बनाती है हो, है ना एडोन होते हैं वो पर्टिकुलरली ब्राउजर स्पेसिफिक होते हैं वो उसी ब्राउजर के लिए बनाए जाते हैं जबकि प्लग आप किसी भी ब्राउजर में इंस्टॉल कर सकते हो सारे ही ब्राउजर में वो काम करता है क्लियर और दोनों काम क्या है भैया ब्राउजर की फंक्शनलिटी को बढ़ाना अब जैसे मान लो मैंने अपने ब्राउजर के अंदर एडोब रीडर इंस्टॉल किया फ्लैश प्लेयर इंस्टॉल किया तो मैं क्या कर रहा हूं एक एडिशनल प्रोग्राम अपने ब्राउजर के अंदर इंस्टॉल कर रहा हूं और इससे मेरी ब्राउजर की कैपेबिलिटीज बढ़ रही है फंक्शनलिटीज बढ़ रही है कि अब मैं अपने ब्राउजर में पीडीएफ ओपन कर सकता हूं मीडिया प्लेयर चला सकता हूं कोई वीडियो प्ले कर सकता हूं राइट तो ये सारी चीजें हमारी क्या हो रही है ब्राउजर की कैपेबिलिटीज को बढ़ा रही है तो प्लग और और एडोन्स दोनों की बात करें तो दोनों के दोनों आपकी ब्राउजिंग कैपेबिलिटीज को फंक्शनलिटीज को इंक्रीज करता है राइट थैंक यू सो मच आदित्य थैंक यू सो मच चलिए अब लास्ट आते बच्चा टॉपिक में कुकीज कुकीज क्या होती है कि जैसे आज मैंने किसी वेबसाइट पर लॉग इन किया है ना तो जैसे ही मैं वेबसाइट पर लॉग इन करता हूं तो आपके ऊपर ऊपर एक पॉपअप ऑप्शन आता है पॉपअप आ जाता है एक मैसेज कि डू यू वॉन्ट टू एड दिस कुकी इन टू योर ब्राउजर ये वेबसाइट जो है ये कुछ कुकीज आपके ब्राउजर में सेंड करना चाह रही है सेव करना चाह रही है क्या आप उसको सेव करना चाहते हैं आप अगर यस क्लिक कर देते हैं तो वो क्या करता है वो वेबसाइट कंपनी जो वेबसाइट है जिसकी आपने ओपन कर रखी है जैसे मान लीजिए फ्लिपकार्ट की वेबसाइट ओपन कर रखी तो फ्लिपकार्ट क्या करेगी एक टेक्स्ट फाइल अपनी वेबसाइट से मेरे ब्राउजर में डाउनलोड कर देगी जैसे ही मैंने यस बटन पर क्लिक करा फ्लिपकार्ट जो है वो एक छोटा सा टेक्सट फाइल मेरे इस ब्राउजर में डाउनलोड कर देगी वो क्या होगी टेक्स फाइल उस टेक्स्ट फाइल में मेरे फ्लिपकार्ट के लॉग इन कैडेंशियल सेव हो जाएंगे कि जो मैंने लॉग इन आई पासवर्ड डाला मैं फ्लिपकार्ट में वो सेव हो जाएगा उससे फायदा ये होता है कि जब भी मैं नेक्स्ट टाइम फ्लिपकार्ट में लॉग करूंगा तो मुझे लॉग इन पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं है मेरे ब्राउजर में

डाउनलोड करा देती है।, इस जो हो रही है आपकी इसी को हम लोग क्या बोलते हैं है तो डाउनलोड हो जाएगी सेव हो जाएगी अगली बारिपकार्ड कॉम खोलेंगे तो आपको ये लॉग इन आई पासवर्ड वापस डालने की जरूरत नहीं है ये आपके प्रोग्राम में आपके ब्राउजर में पहले से सेव्ड है राइट तो बेसिकली कह सकते हैं कि आपकी हिस्ट्री आपने किस किस टाइप के टॉपिक सर्च करें फ्लिपकार्ट कौन कौन से प्रोडक्ट्स को विजिट किया वो सारी चीजें भी आपके जो इंटरेस्ट के टॉपिक्स है वो सारी चीजें भी फाइल सेव कर लेती है ताकि अगली बार जब आप फ्लिपकार्ट खोलोगे तो जैसे आज मैंने कॉस्मेटिक से रिलेटेड आइटम्स बहुत सारे देखे परफ्यूम्स डीओ वगैरह देखे तो अगली बार फ्लिपकार्ट जब मैं खोलूंगा ना तो सबसे ऊपर ही ऊपर मुझे वो परफ्यूम के एडवर्टाइजमेंट कॉस्मेटिक आइटम्स के एडवर्टाइजमेंट दिखाई देंगे राइट तो इससे हमारी जो ब्राउजिंग कैपेबिलिटीज है वो भी बढ़ जाती है राइट चलिए चलिए आई थिंक बीच में थोड़ा सा लैग हो गया था लैग हो गया था बच्चा वीडियो राइट right? अब सही चल रहा है चलिए आई थिंक अब सही चल रहा है है ना चलिए आईडी दो रखनी चाहिए या एक बिजनेस के लिए दूसरी एप्स और बिल्कुल बिल्कुल बच्चा आदित्य साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आईडी हमेशा दो रखनी चाहिए अपने पास क्यों दो रखनी चाहिए आईडी बच्चा कि अगर हमारा एक अगर हमारा एक जो आईडी है वो प्रोफेशनल है जो बिजनेस पर्पज से मैं अपने बैंक अकाउंट्स में और भी अदर अदर जो इंपॉर्टेंट चीजें वहां पे यूज करता हूं तो उस लॉग इन पासवर्ड को उस ई मेल पासवर्ड को आप कभी भी फालतू के एप्स पे सोशल मीडिया वगैरह पे यूज ना करो इवन मैं भी ये प्रीफर करता हूं कि मैंने अपने दो लॉग इन पासवर्ड बना रखे हैं दो जी अकाउंट और बना रखे हैं सारे के सारे बेसिकली क्यों क्योंकि एक तो मैं यूज करता हूं बैंकिंग वगैरह के पर्पज से सिक्योरिटी पर्पज से दूसरा जो मेल अकाउंट है वो यूज करता हूं जनरल पर्पज से है ना तो हमेशा ये चीज ध्यान रखनी चाहिए और कभी भी अपने लॉग इन कैडेंशियल्स को अपने ब्राउजर पे सेव मत रखो मैं तो यही कहूंगा जब भी अटैकर जो अटैक करता है ना जो भी हैकर्स होते हैं 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 वो 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 अटैक करते 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 सबसे सबसे पहले पहले आपकी ब्राउजर के अंदर जाके चेक लोग टारगेट हैं आपके ब्राउजर को आपके ब्राउजर के अंदर जाके वो लोग आपकी लॉग इन कैडेंशियल सुनाने की कोशिश करते हैं राइट right? चलिए तो थैंक यू सो मच बच्चा फॉर कमिंग इन दिस वीडियो मिलते हैं अगले लेक्चर में ठीक है अब तक के लिए जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा बच्चा जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करना मत बोला ना चलिए तो क्या पूछ रहे हैं हमारे अच्छा आदित्य साहब बोल रहे हैं कि सर यहां पे आ, स्टोरेज प्रॉब्लम का सलूशन बता दू अच्छा स्टोरेज अगर आपको करना है तो आप सबसे बढ़िया है गूगल ड्राइव पे दो अकाउंट बना लो गूगल ड्राइव पे जी के दो अकाउंट बना लो है ना दोनों से ऑनलाइन स्टोरेज करो सबसे सेफ स्टोरेज का तरीका है ना और अगर आप हार्ड डिस्क परचेज कर सकते हो एक्सटर्नल तो वो बेटर है, है अकाउंट बना लो और वहां पर स्टोर करो राइट चलिए बच्चा हमारे पास दो तरीके से अन अकेडमी देता है लाइव क्लासेस वीकली टेस्ट स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस अनलिमिटेड एक्सेस आइकॉनिक मिलता है आपको पर्सनल गाइडेंस स्टडी प्लानर स्टडी मटेरियल एक्सपर्ट गाइडलाइंस और टेस्ट एनालिसिस प्लस बच्चा आपको मंथ्स का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है मात्र ग्यारह रुपए पर मंथ पे इस पे भी अगर कोई रेफर कोड लगाता है तो उसको मिल जाता है जीरो का ऑफ आइकॉनिक एक्स्ट्रा ऑफ राइट चलिए बच्चा अन अकेडमी में बहुत सारे ओपन हाउस सेशन होते हैं हमारे भी हैं आप उनमें जरूर जुड़िएगा बच्चा ठीक है इन ओपन हाउस सेशन में बहुत मजा आता है डायरेक्टली चीज पूछ सकते हैं ऑन द कॉल राइट बच्चा, का टेस्ट है, 27 को ज्यादा से ज्यादा लोग एनरोल करने के लिए अप्लाई करिए वहां रेफर कोड पूछा जाएगा एजी जीरो लगाओ और जो एजी जीरो वन नहीं लगाएगा उससे हमारे आदित्य सर नाराज हो जाएंगे है ना सभी को एजी जीरो वन लगाना है और इस रेफर कोड को यूज करते हुए आपको प्रोडजी टेस्ट में बैठना है ना अच्छा फोन में इतना डेटा ही नहीं है तो भैया फिर तो सिंपल सी बात है कि आप अगर आपके पास डेटा नहीं है कि आप अच्छा तो स्टोर क्या करना चाहते हैं अगर आपके फोन का डेटा नहीं है तो चले तो भैया क्लास टर्म टू की जो बैचेस है क्लास इलेवन और ट्वेल्थ की क्लास एलेवन और ट्वेल्थ के जो टर्म टू के बैचेस है वो हमारे स्टार्ट हो चुके हैं जल्दी जाके इसमें एनरोल करिए और एनरोल करते हो रेफर कोड लगाओ एन सेम रेफर कोड लगाना है आपको फ्री स्पेशल क्लासेस के लिए भी आप इन फ्री स्पेशल क्लासेस में जरूर पार्टिसिपेट करिए बच्चा क्यों की ये फ्री स्पेशल क्लासेस में आपको क्या मिलता है यहां पे होता है आपका बहुत सारी बस्ती बहुत सारा मजा क्योंकि यहाँ पे होता है पोल्स क्विजेस में आपको एबीसीडी ऑप्शन मिलता है आप एक ऑप्शन सेलेक्ट करिए आपको बताया जाता है कि कितने प्रतिशत जनता ने दिया सवाल का आंसर सही और यहां पे लीडर बोर्ड में जाके आप अपनी रैंकिंग वगैरह भी चेक कर सकते हैं कि आपकी रैंकिंग क्या चल रही है ना? का है ना का ओके तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगा बच्चा ना आप कॉन्टेक्ट करना टैली पे टैली पे मैं आपको सोल्यूशन बता दूंगा ठीक है चलिए आज का क्वेश्चन टैब होता है बच्चा यहाँ पे इस क्वेश्चन टैब में जाके अपना जो भी डाउट है आप वो स्क्रीनशॉट मार्के यहाँ क्वेश्चन टैब में पूछ सकते हैं और साथ के साथ बच्चे यहाँ पे रियल टाइम इंटरेक्शन मिलता है आपको अपने फेवरेट एजुकेटर्स के साथ तो जैसे आपको अगर मैं पसंद हूं तो आप मेरे वीडियोस को लाइव रियल टाइम के अंदर देख सकते हैं और मुझसे क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हैं साथ के साथ आप जाने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग का ऐप चलाते हैं तो अन अकेडमी ऐप पर जाके मुझे फॉलो करिए आशीष ग्वालानी आपको मेरे से रिलेटेड वेबसाइट डिजाइनिंग के जो हमारे वीडियोज है एथिकल हैकिंग के जो वीडियोज है मेरी वो आप देख पाएंगे और वहां पर हैकिंग और वेबसाइट बनाना सीख पाएंगे राइट चलिए बच्चा गन अकेडमी ने बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ऑफर निकाल रखा है इस इंटरेस्टिंग से ऑफर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे तीन मंथ का सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको वन मंथ का सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शनुटली फ्री मिल रहा है ये सब्सक्रिप्शन ऑफर बच्चा सिर्फ और सिर्फ टेंथ और ट्वेल्थ के सीबीएस स्टूडेंट्स के लिए है। तो भैया चांस कहीं मिस ना हो जाए चांस कहीं मिस ना हो जाए तो इसके लिए बच्चा आप लोगों को ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी बच्चा कितने मार्क्स का पेपर है ये तो बताओ इंडियन जी हर पेपर अलग अलग मार्क्स का होता है वो उस पर डिपेंड करता है ना चलिए अगर आपको मेरी पूरे वीडियो के अंदर कोई भी कॉन्टेंट एंड ऑप्रोप्रिट लगता है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप रिपोर्ट कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि सर ये चीज सही नहीं थी वैसा ऐसा होता नहीं है है ना चलिए तो बच्चा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो थैंक यू सो मच आप लोग लाइक करिएगा वीडियो को और शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा अपने सारे फ्रेंड्स के साथ सारे के सारे फ्रेंड्स के साथ अपने शेयर करिएगा इसको जरूर शेयर करना है और सब्सक्राइब तो करना ही और कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा थैंक यू सो मच मिलते हैं अगले